मुख्यमंत्री धामी रथ यात्रा से पहुंचे किच्छा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया जोरदार स्वागत, सीएम ने तमाम योजनाओं का किया लोकार्पण। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गारंटी कार्ड बिजली कैंपेन योजना के तहत 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन, कहा ये एक नए युग की शुरुआत। जीवनदीप आश्रम में शतचंडी महायज्ञ का समापन, बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ने को लेकर स्वामी यतीश्वरानंद महाराज ने व्यवस्था पर उठाया सवाल। लालकुआ में डीआरएम ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, कुलियों के विश्राम कक्ष बंद होने पर भड़के डीआरएम, अधिकारियों को खामियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। किच्छा में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रथ यात्रा के माध्यम से पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। दीनदयाल चौक पर माल्यार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी अपने वाहन से नीचे नहीं उतरे और वाहन पर ही लोगों का अभिवादन करते हुए सितारगंज की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ किच्छा विधायक राजेश शुक्ला और रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल भी मौजूद रहे। वहीं किच्छा विधानसभा पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा के ग्राम लालपुर रमेशपुर में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और क्षेत्र की तमाम योजनाओं का लोकार्पण भी किया। तो मुख्यमंत्री धामी रथ यात्रा से किच्छा पहुंचे, इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी सारा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इस दौरान किच्छा और रुद्रपुर के विधायक भी मौजूद रहे। वही आपको बता दें कि सीएम ने वहां की जनता को तमाम योजनाओं की सौगात भी दी है। तो रथ यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड के सीएम किच्छा पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर सीएम है और काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है। तो दीनदयाल चौक पर माल्यार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी अपने वाहन से नीचे नहीं उतरे और वाहन पर ही उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद वो सितारगंज की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ किच्छा विधायक राजेश शुक्ला, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल भी मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की और क्षेत्र की तमाम योजनाओं का लोकार्पण भी किया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे हैं। उन्होंने आपको बताया कि कल जिला मुख्यालय रुद्रपुर में रोड शो के साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, तो वही आज सीएम धामी पंतनगर से खटीमा के लिए रवाना हुए। सीएम धामी पंतनगर स्थित नगला क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने क्षेत्र की जनता को संबोधित भी किया और कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगला वासियों के घरों पर जो उजड़ने की तलवार लटकी है, सरकार उसका समाधान निकालेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट का भी सम्मान किया जाएगा, साथ ही लोगों को भी राहत दी जाएगी। इसके लिए उनकी तरफ से मुख्य सचिव को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत शॉर्ट नोटिस का कार्यक्रम है और आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से मैं आपकी मनोभावनाओं को समझ सकता हूं कि आप किस प्रकार की अपेक्षा मुझसे रखते हैं। इसके बारे में पिछले दिनों जब राजेश जी देहरादून आए थे तो आपने सारा प्रकरण मेरे संज्ञान में है, क्योंकि पंतनगर के विश्वविद्यालय के बोर्ड का भी मैं सदस्य रहा हूँ, उसमें भी लगातार आता रहा हूँ, तो यहाँ की अधिकांश समस्याएं मेरे संज्ञान में मैं जानता हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगराल ने देहरादून में स्थित आप पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। साथ ही उन्होंने बताया कि गारंटी कार्ड बिजली कैंपेन योजना के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उत्तराखंड वासियों को दी है। जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधनों पर जो उत्तराखंड की जनता का हक है, वे देने की शुरुआत की है।
उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर लगभग 1.5 लाख लोगों ने अपना निःशुल्क गारंटी कार्ड बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये एक नए युग की शुरुआत है। तो आम आदमी पार्टी ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। सीएम केजरीवाल की गारंटी कार्ड बिजली कैंपेन योजना के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आपको बता दें कि रविंद्र जुगरान का ये कहना है कि इस योजना के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उत्तराखंड वासियों को देने का ऐलान किया है, जो कि जनता का अधिकार है और उसी को ही देने की शुरुआत की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 7 दिनों के अंदर लगभग 1.5 लाख लोगों ने अपने आप को निःशुल्क गारंटी कार्ड बिजली योजना के लिए रजिस्टर करवाया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने इसे एक नए युग की शुरुआत बताया। तो आपको बता दें कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान सरकार बनने पर राज्यवासियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है, जिसके बाद तमाम पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आई और इसी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। रविंद्र जुगरान ने बताया कि गारंटी कार्ड बिजली कैंपेन योजना के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उत्तराखंड वासियों को देने का ऐलान किया है। उससे पहले भी बीजेपी कांग्रेस दिल्ली में यही कहते थे कि दिल्ली की हालत खस्ता है, बजट है नहीं, कहां से देंगे, कैसा करेंगे। तो वही वो उत्तराखंड के संदर्भ में भी अभी दोबारा इस बात को कह रहे हैं। अब दिल्ली में 200 यूनिट बिजली निशुल्क दी जा रही है, टैक्स पेयर्स का पैसा जो खजाने में आता है उनको वापस लौटाया जा रहा है, तो वहां भी तो दे रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, जब करप्शन नहीं होगा तो पैसे का सदुपयोग होगा। उत्तराखंड में भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर इसको मैनेज कैसे करेंगे हम? चोरी, जो बिजली चोरी होती है, बड़े बड़े कंपनीज उद्योगपतियों को, घरानों को निशुल्क दे दी जाती है, फ्री में दे दी जाती है, लाइन लॉस हो जाता है, दुनिया भर के जो टोटके हैं, बिजली की चोरी होना, महंगी बिजली की खरीद करना, तो हम भी यहाँ ईमानदारी से काम करके भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देके अपने विजन से, अपनी योजनाओं से लोगों को उनका अधिकार देंगे। लालकोट स्थित सुल्तान नगरी की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भूमिहीन मजदूर जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया और कुछ स्थानीय लोगों पर समिति के बैनर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यहां गोलापार की सुल्तान नगरी स्थित आयोजित बैठक में समिति के अध्यक्ष जीवन चंद्र आर्य ने बताया कि उनकी रजिस्टर्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भूमिहीन मजदूर जन कल्याण समिति 2 सालों से जनहित के कार्य में लगी हुई है और गरीब असहाय लोगों की हक की लड़ाई लड़ रही है। तो मजदूर जन कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया व इस बैठक में स्थानीय लोगों पर बैनर के दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया गया है। इसके अलावा समिति के अध्यक्ष जीवन चंद्र आर्य ने बताया कि उनकी रजिस्टर्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भूमिहीन मजदूर जन कल्याण समिति पिछले 2 सालों से लगातार लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है। इसके अलावा गरीब और असहाय लोगों की हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग हैं जो बैनर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भूमिहीन जन कल्याण समिति है और हमारे बैनर और लेटर पैड का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है और कुछ लोगों द्वारा आने वाले समय में अगर ऐसा गलत दुरुपयोग किया तो इसके जिम्मेदार खुद स्वयं ये लोग रहेंगे। हाँ, हम अपने समिति की कार्यकारिणी भंग कर सकते हैं। ये 2 साल पहले समिति बनी थी। समिति का क्या उद्देश्य है? समिति का हमारे गांव का विकास और हर गरीब लोगों की सहायता के। बिल्कुल सहमत नहीं है।
रुड़की के जीवनदीप आश्रम में शतचंडी महायज्ञ के समापन अवसर पर स्वामी यतीश्वरानंद महाराज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ाए जाना एक अपराध है और वहां तैनात अधिकारियों को इस लापरवाही पर तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बद्रीनाथ केवल भगवान का धाम है, यह केवल भगवान की पूजा की जा सकती है, अन्य किसी धर्म की पूजा होना गलत है। यतीश्वरानंद महाराज ने बयान जारी कर कहा कि प्रदेश के इतिहास में बड़ा ही कलंकित दिन हुआ है। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ाई गई थी, जिसके बाद से ही सियासी बवाल भी छिड़ा हुआ है। इसके अलावा स्वामी यतीश्वरानंद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि ये एक अपराध है, बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ाए जाना एक घोर अपराध है और वहां तैनात अधिकारियों को इस लापरवाही की वजह से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ केवल भगवान का धाम है, यह केवल भगवान की पूजा हो सकती है, अन्य किसी धर्म की पूजा होना गलत है। वहीं महाराज ने बयान जारी कर कहा कि प्रदेश के इतिहास में ये सबसे ज्यादा कलंकित दिन है। उत्तराखंड राज्य में बहुत कलंकित दिन हुआ है कि उत्तराखंड का जो एक तरह से मुकुटमणि और मुकुटमणि का सनातन धर्म का जो हमारा मुकुटमणि है, भगवान बद्रीनाथ का स्थल, वहाँ पर क्योंकि वो भगवान का धाम है, वहाँ किसी अन्यत्र धर्म की पूजा नहीं हो सकती। हमारे सनातन का ही अंग जैन है, वह भी उसको स्थान मानते हैं, लेकिन वो भी उसकी पवित्रता को रखते हैं। रुड़की के डॉक्टर कर्नल अदनान मसूद ने 21 साल आर्मी में रहकर देश की सेवा करते हुए कई बार आतंकियों के शिकार हुए सेना के जवानों का इलाज किया और अब रुड़की में कर्नल अस्पताल में लोगों की लगातार वो सेवा कर रहे हैं। वे हर तरह की सुविधा से युक्त अस्पताल में कम पैसों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, साथ ही गरीब लाचार मरीजों की मदद भी करते हैं। वह इस अनुभवी स्टाफ के साथ मिलकर और आधुनिक उपकरणों की मदद से 2 सालों से लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। तो लोगों के लिए मिसाल बने डॉक्टर कर्नल अदनान मसूद। आपको बता दें कि वो पिछले 21 सालों से आर्मी में रहकर उन्होंने देश की सेवा करने वाले कई बार आतंकियों के शिकार हुए सेना के जवानों का इलाज किया है और अब रुड़की में कर्नल अस्पताल में वो लगातार लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। हर तरह की सुविधा से लैस अस्पताल में कम रुपयों में ही वो मरीजों का इलाज करते हैं। इसके अलावा कर्नल गरीब लाचार मरीजों की भी मदद करते हैं। वही वहां के अनुभवी स्टाफ के साथ मिलकर और आधुनिक उपकरणों की मदद से वो लगातार पिछले 2 सालों से लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। तो लोगों के लिए मिसाल बने हैं डॉक्टर कर्नल अदनान मसूद, लगातार कर्नल अस्पताल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि कर्नल अदनान मसूद ने 21 साल आर्मी में रहकर देश की सेवा की है, तो इसलिए अदनान मसूद लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। गरीबों की लगातार मदद करते हैं, लाचार मरीजों की मदद करते हैं, कम पैसों में भी वो मरीजों का इलाज करते हैं। पिछले 2 सालों से लोगों को लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। 21 साल आर्मी में रहे, देश की सेवा करते हुए कई बार आतंकियों के शिकार हुए सेना के जवानों का भी उन्होंने इलाज किया है और अब रुड़की में कर्नल अस्पताल में वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। कम पैसों में भी मरीजों का इलाज करते हैं, गरीब लाचार मरीजों की भी सहायता करते हैं। वही अस्पताल के अनुभवी स्टाफ के साथ मिलकर और आधुनिक उपकरणों की मदद से कर्नल लगातार 2 सालों से लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। देखिए, आर्मी की सर्विस से निकलने के बाद और मैंने जो ये हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया, उसका मेन मकसद खिदमत खल्क करना है। मैं पैसे कमाने के लिए अस्पताल नहीं किया। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवाम की खिदमत कर सकूँ। इसीलिए मैं 24 घंटे अवेलेबल होता हूँ कि मरीज़ को
कहीं पे ये परेशानी ना हो कि रात को डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर मेरे अस्पताल में रात को 2 बजे कोई इमरजेंसी आती है, मैं आके उसी वक्त देखता हूँ। जिन लोगों को पैसे के लिहाज से कमज़ोर है, उन लोगों को मैं अल्लाह का शुक्र है कि आप अलग बुलाकर फाइनेंशियल हेल्प भी करता हूँ, ये चीज़ मैं बताना नहीं चाहता। जिन डॉक्टर वो आते हैं ज़मीन, तो कोरोना काल में कई लोग ऐसे हैं जो आपदा को भी अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है डॉक्टर कर्नल अदनान मसूद, जो 24 घंटे मरीजों के लिए अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा मरीजों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। लालकुआ सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 6वें दिन भी अड़े रहे। इस दौरान आक्रोशित सफाई कर्मचारी नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पूरे नगर में जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी। इधर सफाई कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के चलते नगर में गंदगी का अंबार लगना भी शुरू हो गया है, जिससे नगर में महामारी फैलने की आशंका भी बढ़ चुकी है। तो नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन की वजह से कहीं ना कहीं शहर में गंदगी का अंबार लगना भी शुरू हो चुका है। तो वही बीजेपी मेयर जो वहां पे मौके पर पहुंची थी, उन्हें भी सफाई कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन 6वें दिन भी लगातार जारी रहा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसकी वजह से शहर में चारों तरफ कचरे का अंबार लग चुका है। तो नगर निगम के सफाई कर्मचारियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार जारी है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। उनके प्रदर्शन का आज 6वां दिन है और इस दौरान उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया है, जिससे शहर में हर तरफ गंदगी देखने को मिल रही है। सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक वो कार्य बहिष्कार पर ही अड़े रहेंगे। सबसे पहले हमारा मांग है कि 6 की प्रथा खत्म कर दी जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि सारे जो हमारे नगर पालिका, महापालिका और नगर निगम के लोग हैं, इनको राजकीय में घोषित कर दिया जाए। मेन चीज़ ये, बाकी जो और छोटी मोटी मांगे हैं वो 11 कुल मिलाकर हैं हमारी। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक हमारा मुख्यमंत्री या हमारी सरकार हमारी बात नहीं मान लेती। मांगे हैं और आज 6वां दिन हो गया है और हमारे चेयरमैन साहब, यू साहब सारे हमारे फेवर में हैं और सरकार हमारी जीवन नहीं मान रही है। अगर सरकार मान लेती है तो हड़ताल तुरंत ही हटा देंगे हमारे। और माने ये 11 सूत्री हैं, जैसे इनकी तनख्वाह कम है ठेका वालों की, इनकी तनख्वाह बढ़ना चाहिए, इन्हें परमानेंट करना चाहिए, ठेका हटाओ और जैसे भी हो ठेका भी अगर खारिज हो जाए, अगर खारिज ना हो तो इनका पैसा बढ़ना चाहिए। जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सभी आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी जसपुर कार्यालय के बाहर धरना दिया और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वही आशाओं का कहना है कि आशाओं के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रात को जब हम जच्चा बच्चा लेकर आते हैं तो हमें कमरा भी नहीं दिया जाता है। वही उनकी मांग है कि जब हम लोगों को सुरक्षा देते हैं तो हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वही आशाओं ने मानदेय बढ़ाने की भी मांग की है। तो स्वास्थ्य केंद्र में तैनात आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी जसपुर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान आशाओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया। उनका यह आरोप है कि आशाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, आशाओं पर काम का बोझ भी ज्यादा है। वही उनका आरोप है कि रात को जब हम जच्चा बच्चा लेकर आते हैं
तो हमें कमरा तक नहीं दिया जाता है। वही आशा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जब हम लोगों की सुरक्षा करते हैं तो हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आशाओं ने मानदेय बढ़ाने की भी मांग की है। तो आशा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आशा वर्कर्स को सुविधा नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। उनका कहना है कि आशाओं के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, आशाओं पर अत्यधिक भार बोझ है। रात को जब हम जच्चा बच्चा लेकर आते हैं तो हमें कमरा भी नहीं दिया जाता है, ऐसा कहना है आशाओं का। वहीं उन्होंने मांग की है कि जब हम लोगों की सुरक्षा करते हैं तो हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आशाओं ने अपना मानदेय बढ़ाने की भी मांग की है। दूसरे हमने इसलिए विज्ञापन सौंपा है कि जो हमें रखा गया था आशाओं को, वो मृत्यु दल के ऊपर गया, शिशु मृत्यु दल पे, मातृ शिशु दल मृत्यु दल, तो उसमें हमसे इन्होंने हमने काम लिया, हम उसी पर रखे गए थे। आज ये हमसे इतना काम बढ़ा रहे हैं कि कोविड में हमारी ड्यूटी लगाते हैं, उसके बाद में हमें वेतन नहीं मिलता है, और हमें सर्वे कराते हैं कि आप घर घर जाइए, दो गज की दूरी बनाइए, उनसे बूझिए, उनके किवाड़ों को मत छुइए, थोड़ा वो मत करिए। हम अपनी जान सुरक्षा न कर करके हथेली पे लेकर के उनके घर पे जाते हैं, उनको सबको डील करते हैं, कराते हैं, लेकिन पैसे के मामले में बिल्कुल नील हो जाते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल के डीआरएम आशुतोष पंत ने लालकुआ पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। टीटीई विश्राम कक्ष, टीटी कार्यालय, कुली विश्राम कक्ष, कैंटीन, स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय सहित यात्रियों के वेटिंग रूम का भी निरीक्षण किया गया और खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वही डीआरएम ने कुलियों के विश्राम कक्ष बंद पड़े होने पर स्टेशन अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई और कक्ष में लटक रही वायर को सही करने के साथ ही स्टेशन की व्यवस्थाओं को सुधारने के भी निर्देश दिए। तो डीआरएम ने लालकुआ पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, खामियों को दुरुस्त करने के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस दौरान डीआरएम ने टीटीई विश्राम कक्ष, टीटी कार्यालय, कुली विश्राम कक्ष, कैंटीन, स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय सहित यात्रियों के वेटिंग रूम का भी निरीक्षण किया। वहां पर जो भी कमियां थी उसे दूर करने के लिए अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किए। वही इसके अलावा आपको बता दें कि डीआरएम ने कुलियों के विश्राम कक्ष बंद पड़े होने पर स्टेशन अधीक्षक को जमकर फटकार भी लगाई। इसके अलावा कक्ष में लटक रही वायर को सही करने के साथ ही स्टेशन के व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। आप लोग मेरे साथी थे, मेरे ख्याल में आपने सारा देख ही लिया है, एक एक कमरा एक एक जगह जो है यहाँ के देख रहे हैं कि किस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अभी बरसात का टाइम है, अभी हम लोग प्लान कर लेते हैं जो भी रिपेयर्स और जो भी पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं या हमारे स्टाफ के जहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनको ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब वही देखने आए थे। किस चीज़ में? और वो जो सेकंड एंट्री, जो विस्तारीकरण से जो संदर्भ लिया जा रहा है ना, वो है सेकंड एंट्री से रिलेटेड। आप देख रहे हैं ना सेकंड एंट्री जो उधर की साइड में जो दरवाजे वो लग रहे हैं, नया एंट्रेंस बन रहा है उस साइड में, वो हमारा टारगेट है कि हम कोशिश कर रहे हैं उसको कि अगले महीने तक ख़त्म कर। उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। वही आज से हरिद्वार जिले के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया जाएगा। एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि फोर्स लगातार बॉर्डर पर तैनात है और वाहनों की चेकिंग भी लगातार जारी है। यदि कोई वाहन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे वापस भी लौटाया जा रहा है। सभी बॉर्डरों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एसएसपी ने आगे कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की सख्त चेकिंग की जाएगी और उत्तराखंड में आने से पहले यात्रियों से उनका मकसद पूछा जाएगा और उसके बाद ही उन्हें राज्य में एंट्री दी जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार ने साल भी कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है, कोरोना को लेकर ये फैसला लिया गया है। प्रचार वगैरह किया है, अभी सीमावर्ती राज्यों सीमावर्ती जनपदों से हमने बाहर मीटिंग किया, सभी ने कहा था कि जो है अब जो है ये कांवड़ मेला का प्रतिबंध करने में पूरा सहयोग देने करके। अभी
हमारा जो दो कंपनी पीस जो ऑलरेडी हमारे सभी बॉर्डर में तैनात है, हमारा फोर्स तो लगातार जो है बॉर्डर में तैनात है, और जो भी वाहन जो नियम का पालन ना करते हुए आते हैं उनको हम वापस भी कर रहे हैं। आज कुछ फोर्स हमें बाहर से मिला है, अभी उसका रवाना नहीं हो रहा है, आज शाम तक जो है उस फोर्स का तैनाती जो है हम बॉर्डर पर कर देंगे, ताकि जो है कल से जैसा काम मेरा शुरू होगा हमारा बॉर्डर और मजबूत हो। सतपुली पुलिस ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। ये मामला कस्बा सतपुली थाना क्षेत्र का है, जहां पैथानी निवासी बिजली देवी अपने बेटे को डायलिसिस के लिए चमोली सेण ले जा रही थी और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिस ने उसके मृत बेटे को बस से बाहर और उनके मृतक बेटे के शरीर को उसके पैतृक निवास पहुंचाने के लिए मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ जीप की व्यवस्था की, जिसके बाद असहाय महिला ने सतपुली पुलिस का आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं सतपुली पुलिस के इस मदद के बाद उसकी काफी ज्यादा तारीफ की जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।